श्रीशांत हमेशा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन घर में भी उन्होंने यही कहा था कि दीपिका के ज़्यादा चांस विन होने के लिए बिकॉज शी इज़ द फेस ऑफ कलर्स। और कल भी उन्होंने इंटरव्यू में सीधा ही ऐसा बोला था कि शायद से दीपिका इसलिए विनर हुई क्योंकि वो कलर्स की फेस है। नहीं, उस बात पर मैं उनसे उस वक्त भी नाराज़ हुई थी कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा होता तो मैं झलक सीजन भी जीतती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है बिग बॉस एक शो है जिस वेयर यू आर टू विन हार्ट्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मैंने अपने आप को घर में किस तरह से कंडक्ट किया है, पूरी जर्नी में जिस तरह से मैंने हर पड़ाव उसका पार किया है, अपना बेस्ट फुट फ्रंट रखा है जब भी मुझे मौका मिला है। और मुझे, मैं इस बारे में ना, मैं पहले इस बात से अग्री करती थी, मैं उस दिन भी मैं उनसे बहुत नाराज़ हुई थी, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मुझे भाई आके बाद में उन्होंने मुझे अच्छे से मनाया था, सॉरी बोला था, तो इस बात से मैं उस वक्त भी नाराज़ हुई थी उनसे, तो ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। दीपक ने जो डिसीजन लिया, मैं उसके लिए उसे बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और ये उसे भी पता है। दीपक, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर द डिसीजन दैट यू टेकन, बिकॉज उसने ये डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लिया है। एंड हम सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया एंड ही हैड द गट्स टू से कि यस, आई एम टेकिंग दिस मनी फॉर माय फैमिली, फॉर माय सिस्टर्स वेडिंग, एंड आई एम वॉकिंग आउट, एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। दीपिका, आपके और श्रीशांत के रिलेशनशिप को भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन किया गया बाहर, तो शोएब ने और आपकी फैमिली वालों ने और आपके फैन पेजेस ने भी ऑफकोर्स बहुत सपोर्ट किया, बट आपका उस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन है कि कितने लोगों ने आपके और श्रीशांत के रिलेशनशिप को क्वेश्चन किया था? आई थिंक ये घर ही ऐसा है कि इसमें आप जो कुछ भी कर लो उसको क्वेश्चन करना ही है लोगों ने, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, जो भी हो। जब लोग खाना बनाने को क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर वो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, इट्स जस्ट द गेम। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस, आई लव द पीपल हु सपोर्टेड मी, एंड एक्चुअली आई इवन लव द पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस, बिकॉज वेन यू आर शाइनिंग और जब लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो यू शाइन हायर एंड यू शाइन ब्राइटर फॉर, सो थैंक यू गाइस। प्राइस अमाउंट मेरा सपना है कि मैं अम्मी के लिए एक घर खरीदना चाहती हूँ, तो ये पैसा वहाँ जाएगा एंड द हाउस हंट बिगिंस इन द न्यू ईयर, सो या Thank you so much. I just quickly say something for my fans. Yeah. Okay.